ब्रोजी हरे कृष्णा दंड प्रणाम। ब्रोजी फूल का नाम सुन नहीं सके अच्छे से। ये दमनक दमनक करके बोलते हैं, ये एक फूल है जो कि जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, तो आज दमनक दमनको अर्पण द्वादशी है, मतलब दमनक जो है भगवान को अर्पित किया जाता है आज के दिन। तो ये फूल या फिर और चैतन्य और जगन्नाथ जी को चंपक फूल भी बहुत प्रिय है, तो वो भी भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छा दमनको अर्पण यानी आरोपण, तो आज के दिन यहाँ ये जगन्नाथपुरी में ये होता है कि ये इस पौधे को लगाया जाता है, वहां पे दाना दाना बोलते हैं इसको, और इस पौधे को लगाया जाता है, तो आरोपण करना ये भी है, इस पौधे के जो फूल हैं उसको भी अर्पित किया जाता है। तो आज के दिन ये चंपक चंपक फूल भी चैतन्य जगन्नाथ जी को बहुत पसंद प्रिय है। दो फूल जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, एक तो दमनक और दूसरा चंपक। ठीक है, तो हम अपनी वैष्णव भजनों की जो चर्चा है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वैष्णव भजन के ऊपर चर्चा करते हैं, श्रृंखला में डी अल्फाबेट के भजनों पे हमने चर्चा कर रहे हैं, और देखिते देखिते इस भजन के ऊपर चर्चा हुई थी। उसके बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर के ही एक गीत कल्याण कल्पतरु पुस्तक से, देखो मना व्रते जन, इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। देखो मन व्रते जन, इस भजन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कल्याण कल्पतरु पुस्तक से। देखो मन व्रते जन नहावा छन्न, देखो मन व्रते जन नहावा छन्न, कृष्ण भक्ति आशा करी आछो नाना धरी, राधा कृष्ण हरि ते प्रसन्न, भक्ति जे सहज तत्व भक्ति जे सहज तत्व चित्ते तार आछे सत्व, कहार समृद्धि तब आश, देखिबे विचार करी सुतटिन व्रत धरी, सहज रन करो विनाश, सहज रन न करो विनाश। तो ये जो भजन है, भजन में भक्ति विनोद ठाकुर इस बात पे हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं कि
बी केयरफुल माई डियर माइंड दैट यू डोंट बिकम बिविल्डर्ड बाई रिचुअलिस्टिक वाउज विद अ नेम टू प्लीज राधा कृष्ण एंड मेक देम फेवरेबली डिस्पोज्ड टू यू यू एक्सेप्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑस्टियर वाउज यू कंसिडर दैट दिस विल बी कंडूसिव टू प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस डिवोशनल सर्विस इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टूड फॉर इट इज द सोल्स नेचुरल इनबॉर्न टेंडेंसी Your desire is to expand and enrich that devotion which is already existing in your heart. But you should be careful to consider that by undertaking unnecessary difficult vows and austerities, you don't destroy the simplicity of natural process. The results that you get from hard labor on Krishna's behalf are extraordinary and should never be considered to be commonplace. However, if such service turns into an unnecessarily difficult austerity, then it becomes an obstacle to devotion and it will prevent you from getting the real benefit of devotion. Instead, you will only get the benefit of results of austerity. But just try to understand this, my dear brother. If one is worshipping Hari, then there is no need to labor for penances and austerities. If devotional service does not manifest as the result of some type of austerity, then the significant result of that austerity will never be accepted by a true Vaishnava at any time. From all this, just try to understand the deep inner significance of the principles of Vaishnava behavior. That is, according to differences in receptivity of different persons, there is a different difference in their rightful capacity in devotional service. Bhaktivinoda's humble submission is that you should just become a saragrahi and accept the essence of complete surrender to Krishna. Thus, becoming freed from transcendental to all types of spiritual rules and regulations. So, ye keh rahe hain ki जो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कठोर व्रत हैं, उनको करने का वास्तविक अर्थ केवल व्रत करने से फायदा कुछ नहीं। अगर उससे कृष्ण भक्ति जन्म नहीं लेती, कृष्ण भक्ति में कुछ वृद्धि नहीं होती, कृष्ण भक्ति में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, अन्ना हजारे के जैसे जैसे मतलब तपस्या कर लिया लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए नहीं किया, तो उससे भक्ति नहीं प्राप्त होती। हाँ, उससे देश आजाद हो जाएगा जिससे महात्मा गांधी इत्यादि ने किया, लेकिन ये सारी चीजों का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण। तो जब हम तपस्या भी करते हैं तो इसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम आगे चल के किसी को इम्प्रेस करेंगे। इसका लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए धीरे धीरे अपने इंद्रियों में सब जगह संयम विकसित हो, इसके लिए हम अभ्यास करें। लेकिन हमारे स्तर पे क्या है, क्योंकि हम इंद्रिय भोग में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए हमें थोड़ा तपस्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि भोग में ज्यादा लगे रहने से रजोगुण हमारा इतना बढ़ गया है, लोभ इतना बढ़ गया है कि उसको डील करने के लिए बड़ा आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो मैंने व्रते जिन ना हाओ आछन, व्रत से बहुत आसक्त मत हो जाओ कि बहुत सारा व्रत करेंगे, सारा सारा जितना भी व्रत है वो नए नए व्रत ले लिए, लेकिन वो कृष्ण भक्ति वाले नहीं। मंगलवार का भी व्रत लेते हैं और शुक्रवार भी व्रत रहते हैं, संतोषी माता का भी रहते हैं, सारे व्रत रहने से ये ठीक नहीं। कृष्ण भक्ति आशा करी आछो नाना व्रत। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग ये भी कहने लगे कि भाई ये सब भी व्रत नहीं करना है, एकादशी वगैरह ये सब भी व्रत नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हमको जानने के लिए आचार्यों का आचरण देखना चाहिए। क्या कोई आचार्य हैं जिन्होंने एकादशी में ऐसे व्रत रहा है, रहे हैं वो? हाँ रहे। हमारे हिज राधा गोविंद महाराज ये कहते हैं, आज भी अभी भी एक आचार्य हैं भक्ति धीर दामोदर गोस्वामी महाराज,
जो कि एकादशी को निर्जल व्रत पालन करते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे आचार्य लोग हैं, और पहले भी बहुत सारे आचार्य लोग हो चुके हैं, जो ये मना करते हैं कि एकादशी के दिन बहुत सारा बना बना करके पकौड़े, खीर, पूरी, अगर आपके संडे फीस्ट है या आप किसी सेंटर में हैं और वहां पर जो बन रहा है तो उनको बनने दीजिए, सबको मत रोकिए कि अरे तुम खीर क्यों खा रहे हो, हमें अगर नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे। तो कृष्ण भक्ति आशा करी आछो नाना व्रत धरी, राधा कृष्ण करी ते प्रसन्न। तो उसके लिए जो भी व्रत, उनको राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए, तो आप कहेंगे कि इतने सारे व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फिजिकली खूब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो सारे व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। भक्ति से जे सहज तत्व, भक्ति का मतलब क्या है? बस कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए लगे रहें, बस इतना ही। से सर्वो बाधि विनिर्मुक्तम तत्परेण त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्य। इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ही भक्ति है। तो अगर आप भक्ति में एंगेज हैं तो बस इतना ही चाहिए। भक्ति जे सहज तत्व चित्ते तार आछे सत्व तहार समृद्धि तभाष, देखी बे बिचार करी सुकटिन व्रत धरी सहज रहना करो विनाश। कोई बहुत कठिन व्रत ले लिया और वो हम अगर नहीं कर पा रहे, मान लो किसी को शुगर है, वो निर्जल व्रत रह रहा है, तो उससे उसको हो भी नहीं पाएगा और फिर उनसे हमको ये भी लगेगा कि अरे। तो भक्ति जितना हमसे हो पाए उतना करने का प्रयास, उससे थोड़ा ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इस चीज को कहते कहते कई बार लोग बहुत ही ढीला कर देते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा भोग लगा के खाना चाहिए, फिर कहते हैं कि बाहर से खरीद के भोग लगा के खाना चाहिए, फिर कहते हैं कि भोग नहीं लगाए तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल देना चाहिए, फिर केवल कंठी माला टच करा के खा लेना चाहिए। तो ऐसे भी कई बार मैंने देखा है कि केला खोला, खरीदा, कंठी माला टच किया, फट से खा लिया। अब ढीले होने की कोई लिमिट ही नहीं, कंठी माला ऑफर्ड है, इसमें टच किया, अब जगन्नाथ जी के चावल वाला प्रचलन चल गया, प्रभु जी ने बता दिया जगन्नाथ जी के चावल, अब डेली जगन्नाथ जी के चावल ही डलते हैं। भगवान इतने दिन से भूखे हैं, रोज जगन्नाथ जी के चावल ही डल रहे हैं। जगन्नाथ जी, भगवान को अलग से फिर भोग लगाना चाहिए। तो और जब बहुत आपद स्थिति आ जाए तभी, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप एमपी या एमएलए के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे आप उसको नहीं कह सकते कि एमएलए जी जरा इसको भोग लगाना है, नहीं कह सकते उतना, तो आप ठीक है जगन्नाथ जी के चावल की डिबिया ले गए, वहां डाल दिया और जगन्नाथ जी के चावल आपने ले लिया। लेकिन इसको एकदम आदत बना लिया, मैं इसका उल्टा बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे लिए व्रत वाला प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरा मजे ले रहे हैं, हमारे लिए व्रत करना ही जरूरी है। तो हमको तो थोड़ा भी कोई बता दे अगर कि वो, जैसे एक बार मैंने बताया कि इस एकादशी में तिल खा सकते, वो तिल के लड्डू, तिल के ये पट्टियां, तिल की, अरे हाय गॉड, इतनी सारी तिल की चीजें आ गई, थोड़ा सा तिल डाल के नहाने के लिए बोला था और तिल, और इतना तिल खा रहे, मंदिर का खर्चा बढ़ा रहे तिल का, ऐसा नहीं, षट तिला एकादशी एकादशी। तो ये जो है इस तरह से हमारे लिए, बल्कि यही है कि हम जितना हो सके एज शुद्ध एज पॉसिबल पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। भक्ति जे सहज तत्व चित्ते तार अच्छे सत्व तहार समृद्धि तरवाश, देखी बे बिचार करी सुकटिन व्रत धरी सहज रहना करो। सहज भक्ति को नष्ट मत कीजिए। इसका मतलब क्या है?
बहुत कठिन कठिन व्रत लेकर के सहज भक्ति को नष्ट मत। तो मान लीजिए आपने व्रत तो बहुत कठिन ले लिया लेकिन उसका पालन भी नहीं कर पाए, तो जितना हो सके, अब कोई जरूरी नहीं कि मान लीजिए आपके घर में ये नियम है कि भाई सब लोगों को आज व्रत रहना है, तो आपने कहा कि ठीक है 2 दिन 3 दिन महाशिवरात्रि का भी व्रत, सबका व्रत रह रहे, तो ये सब ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा ही व्रत हम कर रहे हैं। एक समय श्रील प्रभुपाद ने निर्जल एकादशी के लिए बोला कि सबको निर्जल एकादशी का उपवास करना चाहिए, तो सारे भक्त निर्जल एकादशी कर रहे थे और सो रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक सब लोग सो रहे थे। शाम जब हुई तो श्रील प्रभुपाद ने देखा कि सारे भक्त सो रहे हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि वाई आर एवरीवन, वाई इज एवरीवन स्लीपिंग। तो प्रभुपाद ने, तो भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद दे आर डूइंग निर्जला एकादशी। प्रभुपाद ने कहा बट गो एंड ईट ग्रेन्स एंड प्रीच। प्रभुपाद ने कहा कि जाके अनाज खाओ लेकिन प्रचार करो। एकादशी के दिन प्रभुपाद ने बोला क्यों? प्रभुपाद ने कहा कि अगर सोना है भजन नहीं करना है। एक जगह श्रील प्रभुपाद ने यह भी बोला कि अगर आप एकादशी मीन्स नो ईटिंग नो स्लीपिंग ओनली चैंटिंग, सिर्फ माला करना चाहिए एकादशी के दिन, जितना हमसे हो पाता है इसके अनुसार हमको प्रयास करें। कृष्ण अर्थे काय क्लेश, कृष्ण अर्थे काय क्लेश, तार फल अच्छे शेष, किंतु ताहा शम न हया, भक्तिर बाधक होले भक्ति आर नहीं फले, तप फल होइबे स्वयं। तो तपस्या, ऐसी तपस्या करने से जिसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, अगर भक्ति में हम बाधक बन रहे हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा भोग भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा त्याग भी नहीं करना। भक्ति आर नाही फले, तो भक्ति फल और नहीं तपा फल होइबे निश्चल, तो तपस्या का फल मिलेगा लेकिन भक्ति में वो बाधा बन जाए। मान लीजिए कोई ऐसे व्रत करते हैं जो भक्ति ही कर नहीं पा रहे, तो फिर ऐसे व्रतों को जो मान लीजिए माला करने के लिए बोला गया लेकिन माला नहीं कर पा रहे, हमेशा समोसे समोसे के बारे में सोच रहे, कुछ खा ले कुछ खा ले, तो फिर एकादशी वाला ग्रेन्स खा ले, एकादशी वाली जो चीजें हैं उनको खा लीजिए और माला कीजिए, लेकिन इतना मत खा लीजिए कि पूरा नींद ही आ रही है सो ही रहे। ठीक है कृष्ण, किंतु भेवे देखो भाई तपस्या रे काजन, किंतु तह समन जदि हरि आराधित। अगर भगवान हरि की उपासना कर रहे हैं, भगवान हरि की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर आपके गुरु को आप प्रसन्न कर रहे हैं, आपने जो इमीडिएट जो अथॉरिटी है वो प्रसन्न है, तो इतने तपस्या करने का, इतना सब कुछ करने का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता। भक्ति जदि ना फल लीला तपस्या र तुच्छ फल, तपस्या का बहुत ही तुच्छ फल होता है, भक्ति का ज्यादा फल होता है। वैष्णव नालय कर चन, तो वैष्णव लोग इससे जो है थोड़ा, तो शुद्ध वैष्णव ये चीज को कभी नहीं समझ पाते। इहाते जे गुढ़ मर्मा भुजो वैष्णव धर्म, पत्र भेद अधिकार भिन्न, विनोदेर निवेदन विधि मुक्त अनुक्षण, सारे ग्राही श्री कृष्ण। और कृष्ण को समर्पण करके, कृष्ण को शरणागति करके भक्ति विनोद ठाकुर ये निवेदन करते हैं कि आप ये विधियों को बहुत ज्यादा फोकस न करके कृष्ण को प्रसन्न करने पे ज्यादा आपको ध्यान, यहाँ ते जे गुण मर्म
बुझो वैष्णवी धर्म, मतलब उसको सब कुछ छोड़ करके अगर आप वैष्णवों को कृष्ण को गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं तो सारे तपस्या वगैरह करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो उसका फल बहुत छोटा है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने अन्यथा तपस्या इत्यादि के ऊपर चर्चा की। हरे कृष्ण। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न आता है? किसी के मन में कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, 10th को मैं पहुंचूंगा। दस हैदराबाद में आऊंगा, 10, 11, 12 मैं वहां रहूंगा। 13 को सुबह हो सकता है मैं निकलूँ हैदराबाद से, मुझे विशाखापट्टनम जाना है। फिर 3 दिन मैं विशाखापट्टनम, नहीं 6 दिन मैं विशाखापट्टनम रहूंगा। फिर 19 को मैं वहां से, तो जो भक्त हैदराबाद में हैं वहाँ पे उन्होंने चैतन्य कथा प्रभु जी ने कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। एक शायद संडे को कोई यात्रा वगैरह कर रहे हैं, या फिर शायद यात्रा है, या फिर कोई प्रोग्राम है वहाँ पर है, या हो सकता है किसी भक्त के घर में होगा संडे को या फिर सैटरडे को भी। तो आप भक्त लोग आ सकते हैं तो आपका दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी सब इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। कृष्णा प्रभु जी हैदराबाद में हरे कहाँ कृष्णा प्रभु जी बोलो कृष्ण। चैतन्य कथा प्रभु बता देंगे माता जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी प्रभु जी। हैदराबाद में कहाँ पे आएंगे प्रणाम। ये चैतन्य चैतन्य कथा प्रभु बताइए। हरे हरे कृष्णा प्रभु राधिक्रमण जी प्रणाम। कृष्णा हम लोग प्रभु सब प्रोग्राम जी डिसाइड कर रहे हैं प्रभु जी। सब लोग प्रभु जी कैसा कैसा प्रणाम। आएंगे, कब कब होंगी, मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण श्री हरे कृष्णा दंडत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम धन्यवाद। सभी वैष्णव को मेरा दंडत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद।